सोशल हरियाणा की टीम आज पहुंची है गुला विधानसभा में और आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विमल लंबरदार जी। विमल लंबरदार जी से गुला हल्का की तमाम राजनीति की बातें करते हैं। गुला हल्का से विमल जी ने अब की बारी दावेदारी ठोकी है, पीछे भी दावेदारी ठोकी थी टिकट को लेकर। तमाम राजनीति बातें विमल जी से करते हैं। नमस्कार विमल जी। नमस्कार जी। पहले तो सोशल हरियाणा की टीम को का धन्यवाद करता हूँ मैं, और साथ में अलका गोला की जनता को मैं सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लोकसभा का चुनाव देश प्रदेश में हो चुका है, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो नेताओं की भी टिकट लेने की एक लंबी कतार हर पार्टी में लग गई है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी से आप आते हो, कांग्रेस पार्टी में भी कतार लंबी हो चुकी है, तो चुनाव से पहले तो टिकट लेने में कंपटीशन है, और आप इस कंपटीशन में अपने आप को कहां तक मानते हो? देखिए, जहां तक लंबी कतार की बात है तो आज हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है विधानसभा चुनाव में। ये सब लोकसभा के चुनाव से स्पष्ट भी हो चुका है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी है, तो इसमें टिकटार्थियों की भीड़ लगना एक स्वाभाविक बात है। जहाँ तक बात है मेरी टिकट की, या भी आप कैसे मेरा जो है, देखिए पार्टी, इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि लगभग 25 साल से, जब से मैंने अपने होश संभाला है, तब से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मैंने एक कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश सचिव तक के पदों पर कार्य किया है, और साथ में कई संगठनों में रहा हूँ, जैसे SC डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन हरियाणा, DNT एक हमारा संगठन है कांग्रेस का, विमुक्त जाति का, घुमंतरु जाति का, उसमें भी मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ हरियाणा का, और लगभग हर धरना, प्रदर्शन, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, भूख हड़ताल, राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैंने हिस्सा लिया है। तो पार्टी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में, मेरे कार्यों के बारे में पार्टी के आला कमान तक के जितने भी वरिष्ठ नेता है सबको पता है, और सबसे मेरा संपर्क है। ये बाकी फैसला पार्टी का है, जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। विमल जी, आप बोल रहे हो कि लोकसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। जैसे कबड्डी का मैच बराबर पे छूट जाता है 5-5, ऐसा ही हरियाणा में हुआ 5-5, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि सरकार हमारी तीसरी बार आएगी। देखिए, हमारा वोट, जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा है, और 0 से 5 पे आना, तो ये वो तो कुछ भी बोले विरोधी पार्टी है, लेकिन आज आप देखो किसान आंदोलन को लेकर व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, आंगनवाड़ी वाले, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई विभाग नहीं है जिसके कर्मचारी इनसे खुश हों, या कोई भी तबका, कोई मजदूर का हो, व्यापारी का हो या किसान का हो, सब बीजेपी सरकार से दुखी हैं और इससे जल्द से जल्द राहत पाना चाहते हैं। विमल जी, चाहे 14 के लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे 19 के लोकसभा चुनाव की बात हो, और चाहे अब ये जो बीता है 24 का लोकसभा चुनाव हो, गुलाल का कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी ज्वाइंटेड आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को लीड देता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है, कहां तक देखते हो? देखिए, इसमें कई बार मैं, चलो आपने पूछ लिया तो बताना चाहूंगा कि कई बार पार्टी निर्णय लेने में गलती कर जाती है। हल्का गुला में पिछले 3 प्लान से, मतलब ये मांग चल रही है कि नए चेहरे को आगे लाया जाए, लेकिन हर बार पार्टी उसी पुराने चेहरे पर दाव खेलती है जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा, मात्र थोड़ी सी वोटों से, 2-4 हजार वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाता है। अगर नए चेहरे को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो मेरा यहाँ तक है कि 50-60 हजार से हम ये सीट जीत रहे हैं। बाकी फैसला तो देखो पार्टी ने करना है, और हर चेहरे पर, हर आदमी के आज यही है आवाज के नए चेहरे को पार्टी प्रत्याशी बनाए। अगर अब की बार भी वही चेहरा आता है तो फिर भी मैं लंबरदार किधर जाएंगे? देखिए, मैं तो, मेरी डीएनए कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है, मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। पिछले 3 प्लान से मैं टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, शायद मेरे में ही कुछ कमियां रही होंगी। तो मैं तो कहीं
पार्टी का जो भी फैसला होगा मैं पार्टी के फैसले के साथ हमेशा रहा हूं और रहूंगा भी, भविष्य में भी मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा। राहुल गांधी जी से मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, तो पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टिकट देना ना देना पार्टी का अपना अधिकार है और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार पार्टी मेरी अनदेखी नहीं करेगी और मेरे पूरा विश्वास है मेरे को पूरे आला कमान पर, हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व पर कि इस बार सेवा करने का मौका जरूर देगी। पिछले कुछ दिनों पहले आपने कैथल में एक प्रोग्राम रखा था ओड समाज न्याय चौपाल जी, आप कांग्रेस पार्टी से न्याय की मांग कर रहे हो, क्या न्याय की मांग कर रहे हो? देखिए मेरा जो ओड समाज है मैं ओड समाज से बिलोंग करता हूँ, तो वैसे तो मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जिस बिरादरी में मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है, तो वो भी मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी बात भी रखूँ। देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक पार्टी ने कभी भी ओड समाज को टिकट नहीं दिया है, जिसको लेकर मेरे ओड समाज में काफ़ी रोष था, तो मैंने पूरे समाज को इकट्ठा करके हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, बहुत सूझवान प्रभारी हमारे को मिले हैं श्री दीपक बावरिया जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कैथल में, तो कैथल में हमने नौ ओड न्याय चौपाल के नाम से प्रोग्राम रखा, जिसमें हमने समाज की बातों को उनके सामने रखा कि हमारे को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में और संगठन में संख्या के हिसाब से जितनी हमारी संख्या बनती है, हमारे को हर स्टेज पर भी भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसका दीपक बावरिया जी ने हमें पूरे उसके साथ आश्वासन भी दिया है। आश्वासन दिया है, अगर फिर न्याय नहीं मिला तो फिर भी फिर कहाँ जाएगा ओड समाज? नहीं, अभी ये बात हाईकमान तक पहुंच चुकी है। जहां तक ओड समाज की बात है, ओड समाज हमेशा ही कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और आगे भी रहेगा, उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि जो गरीब के हक की नीतियाँ हैं वो कांग्रेस ही बनाती है। अब बीजेपी की बात करें, हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें, तो ये SC के और उसके ये मनुस्मृति लागू करना चाहती है, ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है, ये SC के जितने भी अधिकार आरक्षण है सबको ख़त्म करना चाहती है, तो वो मेरी जाति भी और सभी अन्य जाति भी ये बात समझ चुकी हैं, तो कभी भी वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वो रहेगा हमेशा कांग्रेस के साथ ही। और कांग्रेस ने भी ये अब देखा है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, कहीं ना कहीं यही कारण रहे हैं, तो इसीलिए हमारे दीपक बावरिया जी हर एक समाज में जाकर हर एक समाज की बात सुन रहे हैं और उनका जो बनता है जायज प्रतिनिधित्व देने की बात भी कह रहे हैं। आप बोल रहे हो कि आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो जैसे मोदी जी अब भाषण में कह रहे कि ये विपक्ष द्वारा फैलाई गई एक भाषण है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसमें तो ये आंकड़े बता देंगे आपको भी क्या हो रहा है क्या नहीं पूरे देश में। अभी बड़े बड़े जो कोर्स हैं, जैसे MBBS का उन्होंने पीछे कितना पैसा बढ़ा दिया, फीस बढ़ा दी, गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, वो गरीब कौन है, SC समाज के बच्चे हैं, तो काफ़ी मतलब शिक्षा में उसमें बहुत महंगा कर दिया, काफ़ी बड़े बड़े कोर्स थे कांग्रेस के टाइम, सब फ्री होते थे, सरकार स्कॉलरशिप पे कराती थी, आज किसी की स्कॉलरशिप नहीं आ रही और किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ये सब देख रहे हैं सारी जनता, कोई SC वर्ग के साथ कितने अत्याचार होते हैं, कितनी सुनाई होती है, आप सब मीडिया वाले भी और सब देख रहे हैं, तो इनकी अब झूठ चलने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है, हरियाणा में तो बिल्कुल सफाया होगा इनका। अगर पार्टी आपको टिकट देती है जो गुलाल काका ओड समाज है, क्या एकजुट हो पाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस अगर मुझे मौका देती है तो अकेला ओड समाज नहीं है, मेरे साथ 36 बिरादरी का समर्थन है, सभी लोग मुझे पूरा स्नेह और प्यार देते हैं और लोगों को भी पता है भी कि पिछले तीन प्लान से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, 36 जाति को साथ लेकर चलता हूँ, और मेरा अगर मुझे मौका मिला तो मेरा सबसे पहला यही काम होगा कि जातिवाद ख़त्म करना, क्योंकि आज कोई भी विधायक बनता है तो ये फलां जाति का है, ये फलां जाति का है, वो जातिवाद फैला के उसका नजायज फायदा उठाते हैं। मैं जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये जातिवाद नाम की चीज़ हल्का गोला से ख़त्म कर दूंगा। जातिवाद फैलाता कौन है? जातिवाद चुनाव से पहले तो जाति का सम्मेलन करके टिकट की मांग की जाती है और बाद में आपको जातिवाद लगता है?
नहीं, वो सम्मेलन करना, वो समाज को अधिकार दिलाने की बात एक अलग है, उसके माध्यम से सिर्फ हमने देखिए। अभी मैं आपको यहाँ गोला हलका की बात बताना चाहता हूँ। अब यहाँ वाल्मीकि समाज को भी प्रतिनिधित्व मिला है, अपना बाजीगर समाज को भी मिला है, और हमारे हरिजन समाज को भी मिल चुका है, आर्य समाज को भी मिल चुका है। तो उनके माध्यम से सिर्फ कहने का मतलब यही था कि सभी का अधिकार है, सभी को बारी बारी से मतलब इसमें मौका मिलना चाहिए, सिर्फ यही मांग हमारी थी, और जातिवाद से मेरा कोई मतलब नहीं है। पीछे लास्ट चुनाव था जो 19 का, उस चुनाव में भी आपका एक और समाज के नेता ने चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम आपने उसका समर्थन दिया था, जब आप कह रहे हो कि अगर मेरे को टिकट मिलती है और समाज एकजुट हो पाएगा, जब पीछे और समाज का साथी चुनाव लड़ रहा था, तो क्या आप साथ थे उसके? देखिए, वो समाज के बैनर तले नहीं लड़ा, वो बीजेपी का कैंडिडेट था आजाद, फिर वो आजाद बीजेपी ने टिकट नहीं दी, आजाद था वो, तो वो मौके के समीकरण बने थे। मौका होता है, उस टाइम तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज मैं ज्यादा ना कहते हुए आपको बताऊंगा कि आज समीकरण कुछ और हैं, ठीक है। मैं पार्टी का पदाधिकारी था, मैंने हमेशा पार्टी की वफादारी निभाई है और आगे भी निभाता रहूंगा। मेरे पास उनके साक्ष्य हैं, मैं कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं गया आज तक, और ना ही कभी मैंने जाने की सोची है। आपके लिए समाज एकजुट हो जाए, और अगर और कोई साथी चुनाव लड़ता समाज का, तो आप साथ नहीं देते? नहीं, देखिए, समाज से पूछकर, समाज के बीच में बैठकर कोई फैसला होता है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब समाज के खिलाफ जाकर या कोई अपनी मनमर्जी, चाहे मैं भी हूँ उसमें आ गया, तो कोई करता है तो उसके साथ समाज को सोच समझ के ही जाना पड़ेगा। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कल लोकसभा में बयान दिया है कि हिंदू तो अहिंसा फैलाते हैं, ये देश हिंदू बाहुल्य है, आपको क्या लगता है? देखिए, उन्होंने उनका जो पूरी बात थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राहुल गांधी जी का कहना कुछ और था, वो आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस के लोगों की बात कर रहे थे, ना कि हिंदू की बात कर रहे थे। ये तो तोड़ मोड़ के राजनीति पार्टी है, राजनीति इनका काम यही है, और तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं विकास से ध्यान भटकाने के लिए, अनाप शनाप ये ऐसी हरकतें अच्छी करते रहते हैं। ऐसी समाज की आप आवाज उठा रहे हो कि बीजेपी में फीस बढ़ा दिया, कांग्रेस में मिलता था, कांग्रेस में तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर, उन पर उनकी पिटाई भी होती थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तब आपने आवाज उठा के पार्टी क्यों छोड़ दी? देखिए, पार्टी छोड़ना, अन्याय होना कोई अलग अलग बातें हैं। अन्याय तो हुआ है, आपके नेता भी थे वो, आप मेरे नेता थे, मेरे कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भी सीनियर नेता किसी को पार्टी हाईकमान प्रदेश का अध्यक्ष बनाती है, तो मैं हमेशा, आप पिछला भी मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो और आगे भी देख लेना, जो भी अध्यक्ष रहा, जब अशोक तंवर जी से मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, आपको करनाल रैली में मैंने भूख हड़ताल पे बैठा उनके साथ, जो रोहतक से दिल्ली तक गौचरण को लेकर पैदल यात्रा थी उसमें गया, साइकिल यात्रा में भाग लिया, कई बार हमने गिरफ्तारियां दी। वो जब अध्यक्ष थे तो हमने सब कुछ किया, उनके साथ पूरा रहे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो हमने उनको छोड़ दिया। अन्याय होता जाओ वहाँ पार्टी छोड़ दी। देखिए, जब अन्याय की बात थी, जो बात थी उस मुद्दे पर हम कहीं ना कहीं हमने सपोर्ट भी किया, अपनी बात हाईकमान को रखी, वो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं, कई बार आरोप शरोप लगते रहते हैं, कई सच्चाई कुछ और होती है, तो ये बातें तो पार्टी के अंदर की है, पार्टी नेतृत्व को इसका फैसला करना। लोकसभा चुनाव आपने बिना संगठन लड़ लिया, क्या विधानसभा चुनाव भी बिना संगठन लड़ोगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को के जो कार्यकर्ता है ना, का शिकार होते नहीं, नहीं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है, एक होकर चुनाव लड़ेगी। इनमें कहीं भी आप देखते हो, हर जगह सभी सपोर्ट करते हैं नेता। जहां तक संगठन की बात है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक पदाधिकारी है और बहुत मजबूत है। कांग्रेस की लड़ाई लड़ने के लिए हर गांव में बूथ स्तर पर, उस पर मैंने खुद भी कमेटी बना रखी है और पार्टी की तरफ से भी कमेटियां बनी हुई है, तो ऐसा संगठन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन से गुट से आते हैं आप? कुमारी साल जय भूपेंद्र हुड्डा, दो गुट देखिए, मैं गुटबाजी में विश्वास नहीं रखता, मैं सबके साथ करता हूँ जहाँ मेरी पार्टी ड्यूटी लगाती है। अगर कोई नेता उड्डा साहब को आगे करके टिकट मांग रहा है बैनर पोस्टर में, कोई सलजा को आगे करके, देखिए आप मेरे बैनर पोस्टर देखेंगे कभी भी, तो उस पे सभी सीनियर नेताओं की फोटो लगेगी। एक विचारधारा की बात अलग है, कोई किसी के पास जाता है वो विचारधारा की बात है, गुटबाजी की बात नहीं है। अभी बहन जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी काला वाली हल्के में, मेरे को कोऑर्डिनेटर लगाया था, एक महीना मैं वहाँ काम करके आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया अभी कोई गुटबाजी है। अगर मेरे को हुड्डा जी आदेश देते
या उदय भान जी मेरी कहीं ड्यूटी लगाते तो मैं वहां भी जाता। मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह का कार्यकाल कैसे देखते? इसके बारे में तो आप सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो मौके का विधायक है उसकी जो कार्यशैली है, जो उसके बोलने का तरीका है, वो किसी से भी पूरे हरियाणा में कई बार उनके साथ जो जो हुआ है मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, तो उनका तो जीरो है। आज तक कोई विकास के नाम पर कोई काम हुआ ही नहीं। ये खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, पर ये बोल देने से कि मैं ही पूरे उसमें शिक्षित हूँ, कोई और शिक्षित है ही नहीं। वो गुला को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसी भाषा मैं कहता हूँ कि विधायक जी को शोभा नहीं देती। उन्हें थोड़ा सा सोच समझ के, वो सीनियर आदमी है, बोलना चाहिए। तो ज्यादा मैं कुछ इसके बारे में क्या कहूँ। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो वो क्या क्या खास प्रोजेक्ट रहेंगे गुलाल का के लिए जो पिछले विधायक नहीं कर सके, मौजूदा विधायक नहीं कर सके, आप करवाओगे? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं जातिवाद खत्म करूंगा। भी फलां जाति का विधायक है, फलां जाति का, ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, नशाबंदी। आज मेरे हल्के के मैं जाता हूँ, गाँव में देखता हूँ कि बच्चे नशे में लगे हुए हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ है। अब बीजेपी ने नशा मुक्ति के नाम पर केंद्र, नशा छोड़ने के लिए केंद्र खुलवाए हुए हैं, उनको एक कार्ड बना के दे दिया। उस कार्ड के माध्यम से वो नशे की दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो ये सब कारोबार सबसे पहले मेरी ये रहेगी, क्योंकि हमारा युवा जो है वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा चुका है। पंजाब के साथ हमारा इलाका लगता है, नशे का मैं बहुत बुरा हाल है, मैं देखता हूँ सारी, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। मौका आएगा तो सब इस पे काम, सबसे पहले इस पे काम करेंगे। और भी मुद्दे हो गए गुला विधानसभा के, गुला के विकास का मुद्दा है, जैसे गग्गर पार की अनदेखी होती है, हम गग्गर पार से शुरुआत करेंगे। सीवन बड़ा गांव है, सीवन में आज तक विधायक ने कुछ नहीं किया, सीवन में विकास कार्य कराएंगे। यहाँ पर कॉलेज की जरूरत है, लड़कियों के कॉलेज की जरूरत थी, वो एक साइड में बना दिया, तो अभी और भी जरूरत है। सीवन में ITI की भी जरूरत है, बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। तो सारे काम, मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ, मैंने बहुत गरीबी भी देखी है, और मैं अच्छे लोगों के साथ भी रहा हूँ, व्यापारी वर्ग के साथ भी रहा हूँ, तब सबकी समस्या जानता हूँ, सेलर वालों के साथ, व्यापारियों के साथ जो होता है मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन कभी मौका मिला तो इसका समाधान सब करेंगे, सब एकदम से कोशिश करेंगे भी सब अच्छा हो। ये थे हमारे साथ गुला से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विमल अमृत, जिन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ और अब की बारी मेरा हक भी बनता है टिकट को लेकर। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। देखते रहिए सोशल हरियाणा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू। जय हरियाणा। जय हरियाणा।